Hi guys, welcome to another fresh video. अभी Mahindra 3XO का बहुत क्रेज चल रहा है. हर कोई आपको कहेगा भाई जाओ 3XO ले लो, उससे बेहतर गाड़ी है ही नहीं. पर लोग जो है भूल गए हैं भाई ये है वो गाड़ी जिसने 3XO को मजबूर किया था 300 से 3XO बनने के लिए. और इस गाड़ी का जो आज हमारे पास वेरिएंट है यह है इसका क्रिएटिव प्लस विथ सनरूफ वाला वेरिएंट. अभी इस गाड़ी में क्यों मैं बना रहा हूँ इसका वीडियो, चलिए वो भी बता देंगे. पर उसके पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, इसका ओरिजिनल एक शोरूम प्राइस जो है वो है कुछ 12,30,000. फिलहाल चल रहा है टाटा में 7/7 का डिस्काउंट, जिसके लिए आपको इस गाड़ी का इस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर पूरे 1,00,000 रुपए का एक शोरूम पे डिस्काउंट आने वाला है. इससे तगड़ा डिस्काउंट इतनी तगड़े गाड़ी के लिए शायद और कभी नहीं आने वाला है. तब जाके इस गाड़ी का जो प्राइस है वो गिर के बन जाता है 11,30,000 रुपए. अभी महिंद्रा 3XO के साथ इसका जैसे मैंने कहा डेट कंपटीशन है, और कंपटीशन है जो वो है 3XO का X5 वेरिएंट के लिए. उसका प्राइस है 10,70,000 रुपए और इसका प्राइस है 11,30,000. मतलब इसमें 50,000 एक्स्ट्रा देके आप क्यों ये गाड़ी लोगे, ना ही 50,000 बचा के आप महिंद्रा 3XO लोगे. तो चलिए आज के वीडियो में यही सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे. मैं हूं देव, आप देख रहे हैं विदिंगल. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो गाइस 10-30 सेकंड के लिए इंतजार कर लीजिए वीडियो में, क्योंकि आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है. अगर आप खौरपुर में रहते हो, उड़ीसा रहते हो, या फिर झारखंड में कहीं भी रहते हो जहां से आप खौरपुर इजीली आ सकते हो, तो आप जो है बिल्कुल खौरपुर आ जाओ. कृष्णा टाटा पे आके जो है आपका फेवरेट टाटा मोटर्स का जो भी गाड़ी आपको लेना है आप यहां से आपको प्रायोरिटी बेसिस में डिलीवरी किया जाएगा, और साथ ही में आपको तगड़ा वाला डिस्काउंट भी दिया जाएगा. और सारा इन्फॉर्मेशन जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पे जाके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. तो चलिए अभी जो है वीडियो में वापस चलते हैं. अब स्टार्ट करते हैं, पहले आपको फ्रंट एंड दिखा. देखिए इसका जो फ्रंट एंड है ना वो हमेशा ही इम्पोजिंग था, अभी भी इम्पोजिंग है, क्योंकि इसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है. पर मैंने कहा था आपको 50,000 का डिफरेंस है, तो क्या है 50,000 का डिफरेंस, तो चलिए दिखा देते. तो उसके पहले क्या क्या मिल रहा है सिमिलरिटी, चलिए वो भी वीडियो में चलते चलते बता देंगे आपको. देखिए यहाँ पे आपको जो है ऊपर एक DRL देखने को मिलेगा, और यही चीज जो आपका इंडिकेटर भी बन जाएगा. साथ में नीचे देखेंगे आपको प्रोजेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प दिया गया है. अब अगर मैं बात करूँ इसके साथ 3XO का, तो 3XO में भी बिल्कुल सेम ही फीचर आने वाला है. आपको DRL आने वाला, DRL इंडिकेटर बनेगा. आपको हेडलाइट में भी आपको प्रोजेक्टर आने वाला है, जो LED आने वाला है. उसमें आपको फॉग लैंप नहीं आ रहा है, भाई इसमें भी फॉग लैंप नहीं आ रहा है. सिमिलरिटीज यहीं पे खत्म हो जाता है. अब 50,000 का काउंटिंग चालू. देखिए यहाँ पे आपको एक कैमरा देखने को मिलेगा, मतलब इस गाड़ी में जो है आपको 360 डिग्री कैमरा आ रहा है. साथ ही में बात करें सामने यहाँ पे देखेंगे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी दिया गया है. ये दो चीज जो है जब तक आप 3XO का लग्जरी पैक में नहीं जाते हो तब तक आपको 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, और पार्किंग सेंसर तो 7L पे है सिर्फ, तो आपको उतना तक खींचना है. पर इसमें सिर्फ 50,000 में ही आ रहा है. अब बात कर लेते हैं व्हील्स को लेके, तो आ जाइए इस तरफ, व्हील्स कैसा है चलिए वो भी चेकआउट करवा दे. ठीक है, यहाँ पे आपको एक डुअल टोन में अलॉय देखने को आ रहा है, ये भी 16 इंच का ही है. 3XO का वो भी 16 इंच का है, तो कोई अंतर नहीं है. उसमें 17 इंच सिर्फ एक 7 से आ रहा है, पर X5 जिसके साथ इसका डेट कंपटीशन है उसमें भी 16 इंच ही आ रहा है. उसमें कोई भी कंजूसी नहीं किया गया है. अब सामने इसका डिस्क ब्रेक तो है, चलिए देख लेते हैं क्या पीछे भी इसका डिस्क ब्रेक है. तो भाई पीछे इसका जो है डम ब्रेक दिया गया है, पीछे यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं है. एक चीज कहना पड़ेगा इस चीज पे टाटा थोड़ा सा पीछे जरूर है, कि पीछे इसमें जो है डिस्क ब्रेक हो जाता तो और ज्यादा अच्छा होता, नहीं है फिलहाल. अब आ जाते हैं रेयर पे. तो देखिए रेयर पे क्या है, देखिए पहली बात है कि 3XO में जो है वो इसमें भी है कनेक्टेड टेल लाइट, भाई इसमें भी है, तो इसको लेकर हल्ला उल्ला करने का कोई फायदा नहीं. पर यहाँ पे प्रॉपर आपको जो है LED सेटअप में ही आने वाला है, वो चीज 3XO में भी है, तो उसमें भी कोई भी चीजें अलग नहीं है. और बात करें और क्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, तो नीचे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है इसका वॉश एंड वाइपर. अंतर है कि इसमें आपको डिफ्रॉगर नहीं मिलेगा, जो आपको 3XO में मिल जाएगा डिफ्रॉगर, क्योंकि उसमें जो है जब वॉश एंड वाइपर आता है तभी डिफ्रॉगर आते हैं. पर टाटा ने कुछ अजीब तरीका कंजूसी किया है, डिफ्रॉगर को सालों ने गायब कर दिया है, सिर्फ वॉश एंड वाइपर डाल दिया. पर हाँ यहाँ पे आपको स्पॉइलर जरूर मिल जाएगा. हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी यहाँ पे दिया गया है. यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको कैमरा भी दिया गया है, नीचे नेक्सॉन का ब्रांडिंग भी कर दिया गया है. अब साथ ही में देखेंगे पीछे भी आपको दो पार्किंग सेंसर दिया गया है, तो सेंसर और ये सब चीजें आपको बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई भी ज्यादा अंतर नहीं है. अब बात कर लेते हैं बूट को लेके, बूट में कितना जगह है. अब देखिए अगर मैं बात करूं नेक्सॉन का, तो नेक्सॉन का जो बूट है करीब 400 लीटर का जो है आपको बूट देखने को मिल जाएगा. उस हिसाब से काफी ज्यादा स्पेस है, इसमें स्पेस लेके कोई भी कंस्ट्रेन नहीं है. अब महिंद्रा 3XO में जो है कंस्ट्रेन है कि नहीं है
वो तो मुझसे बेहतर आप ही कह सकते हो। आप नीचे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए आपको क्या लगता है कि किसका बूट जो है ज़्यादा स्पेस है, पर 5 लोगों का लगेज जो है काफ़ी आराम से आ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ है, आप आ जाइए यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो है आपको लाइट देखने को मिलेगा, तो ये लाइट जो है आपको 3XO में जो है नहीं दिया गया है, ये सिर्फ आपको जो है यहाँ पे क्रिएटिव प्लस वेरियंट में विद सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेयर व्हील, हाँ स्पेयर व्हील भी चेकआउट करवा दे, वरना बाद में बोलोगे नहीं दिखाया, तो भाई यहाँ पे स्पेयर व्हील है, ये भी 16 इंच का ही स्पेयर व्हील है, तो ये सब चीज़ें कॉमन है। और हाँ 3XO में आपको पार्शियल ट्रे नहीं दिया जाता, इसमें आपको पार्शियल ट्रे मिल जाएगा। तो अब आ जाता है सीट पे, बैठ के दिखाता है आपको सीट में कितना कंफर्ट है, तो आ जाइए मेरे साथ, सीट भी चेकआउट करवा दे। पर हाँ उसके पहले एक चीज बता दे, कूपे जो है जो महिंद्रा ने शोकेस किया था XUV कूपे का, उससे पहले ये प्रोडक्शन मॉडल में कूपे वाला लुक आ गया, तो टाटा इस लुक्स के मामले में तो कहीं ज्यादा आगे है। और हाँ एक चीज और है जिसमें टाटा जो है कहीं ज्यादा आगे है, यहाँ पे आपको भाई शार्क फिन एंटेना मिलता है और साथ में यहाँ पे रूफ रेल भी दिया गया है। शार्क रूफ रेल तो 3XO में मिल जाएगा, पर शार्क फिन एंटेना टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलता है। और अभी जो है दरवाजा भी दिखा दे, काफी वाइड ओपन होने वाला है दरवाजा, अंदर चढ़ने या फिर उतरने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ यहाँ पे आपको फैब्रिक बेस सीट दिया गया है वाइट स्टिचिंग के साथ, और यही सेम चीज आपको जो है 3XO भी मिलने वाला है, फैब्रिक बेस ही सीट आने वाला है। यहाँ पे जो अंतर है कि यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया, महिंद्रा में 3 देखने को मिलेगा। और अगर मैं आर्मरेस्ट का बात करूँ तो भाई आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये एक चीज है जो पीछे है। यहाँ पे पीछे देखेंगे और क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको रेयर रिसीव वेंट भी देखने को मिलेगा, ये चीज जो है 3XO में भी बरकरार दिया गया है। अब देखिए एक चीज दरवाजा में बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया, और उसका भी कलर काफी अच्छा, एक ओशन ब्लू कलर का देखने को मिल जाएगा, तो जो प्रीमियम चीज है उसको और ज्यादा दर्शाता है। और मैं अंदर बैठ के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भाई आपको पता ही है नेक्सॉन के अंदर कितना ज्यादा स्पेस है, तो स्पेस लेके नेक्सॉन में कभी भी कोई कंप्लेन नहीं था, तो कंप्लेन आज भी हम नहीं करेंगे। पर हाँ गाड़ी देखने में काफी अच्छा है, और यहाँ से आप देखेंगे ना गाड़ी का टोटल लेंथ करीब 4 मीटर का गाड़ी है, देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगता है हमें, स्पेशली इस एरो टाइप एरो व्हील के लिए, तो कुल मिला के लुक्स काफी अच्छा है। यहाँ से एक बार और देख लीजिए आप, हम ड्राइवर साइड पे जाने वाले, उसके पहले आप एक बार और सामने का लुक भी चेक कर लीजिए, काफी अच्छा लग रहा है देखने में, तो आ जाइए ड्राइवर साइड पे क्या है चलिए वो भी चेक करवा देते हैं आपको। साथ ही में पहले दिखाएंगे आपको, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया जो भाई महिंद्रा में भी मिल रहा है, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। और चाबी में चेक करवा दूं आपको, देखिए यहाँ पे आपको 4 बटन का चाबी देखने को मिलेगा, महिंद्रा में सिर्फ 3 बटन है। टाटा में फिलहाल आपको लॉक, अनलॉक, बूट रिलीज और एक फॉलो मी हेडलाइट का बटन भी दिया गया, और ऐसे ही आपको जो है 2 चाबी देखने को मिल जाएगा। दरवाजा ड्राइवर साइड को ओपन करते हैं, और यहाँ पे भी आपको जो है सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, पर हाँ अगर महिंद्रा 3XO से कंपेयर करें तो 3XO में इतना सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, 5X5 वेरियंट पे, उससे ऊपर का वेरियंट में जाओगे तो उससे भी, इससे भी ज्यादा है उसमें। पर कंपटीशन जो है हमारा और इस वीडियो का मकसद जो है AX5 के साथ डायरेक्ट कंपटीशन के लिए है ये वेरिएंट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपको जो है 4 पावर विंडो का बटन देखने को मिलेगा, ड्राइवर साइड में ऑटो अप मिल जाएगा आपको, साथ ही में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रेयर व्यू मिरर, साथ ही में ऑटो फोल्ड का ऑप्शन भी दिया गया है इसमें, तो कुल मिला के हर एक चीज जो 3XO में नहीं है इसको लेके वो सब आपको मिल जाएगा। तो 50,000 का हिसाब जो है उसका काटा भी चल रहा है, और आप देख ही पा रहे हो कि ज्यादा चीजें दिया जा रहा है। पर यहाँ पे जो है आपको लेदर रफ स्टीयरिंग व्हील देखने को नहीं मिलेगा जो AX5 में दिया गया है, यहाँ पे आपको एक सॉफ्ट टच बेस्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया, अच्छा लग रहा है, मैं नहीं कहूंगा भाई बुरा लग रहा है। पर स्पेशल चीज क्या है, यहाँ पे टाटा का जो लोगो दिया गया है ना वो भाई इल्यूमिनेटेड है, भाई काफी अच्छा प्रीमियम लग रहा है। इस तरफ जो है आपको क्रूज कंट्रोल दिया गया है, इस तरफ बात करें आपको सारा म्यूजिक का कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वॉश एंड वाइपर में आपको जो है ऑटो दिया गया है, और लाइट का बात करें तो लाइट में भी आपको जो है ऑटो यहाँ पे दिया गया है, तो ऑटो लाइट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही बात करें बड़ा साइज का, भाई 10.25 इंच का जो है आपको एक म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा फ्लूइड है। अब दोनों में कौन सा ज्यादा फ्लूइड है ये अगर मुझसे कोई पूछे भाई, ये कहना मेरे लिए मुश्किल नहीं, थोड़ा बहुत नामुमकिन है, क्योंकि दोनों का सेंसिटिविटी मुझे तो भाई काफी ज्यादा प्रीमियम लगा। पर हाँ अंतर कहाँ पे है कि यहाँ पे जो ड्राइवर डिस्प्ले है, अगर आप 3XO का कंपटीशन करो तो 3XO में जो है ये प्रॉपर पूरा डिजिटल है, यहाँ पे ये पूरा डिजिटल नहीं है, सेमी डिजिटल है, पर इसका लुक्स भी काफी अच्छा है, कोई भी शिकायत हमें नहीं है, बल्कि ये अपने तरफ से बड़ा ही सही है, और मुझे तो बड़ा ही क्यूट लगता है ये। और एक चीज है कि जितना ज्यादा गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना, डेंजर रहता है कि उसको ज्यादा जल्दी बिगड़ने का, तो इसमें थोड़ा बहुत कम है तो कम बिगड़ेगा, और कुछ नहीं है। और बात करें अभी और क्या है, तो नीचे देखेंगे तो एसी यूनिट है, जहां पे ऑटो एसी आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, और 360 डिग्री कैमरा का बटन भी यहां पे दिया गया, मैं प्रेस करके आपको एक बार दिखा देता हूं, तो जो है आपको कुछ ऐसा जो है डिस्प्ले दिया गया है, काफी ज्यादा अच्छा है। फिलहाल जो है गाड़ी बारिश की वजह से थोड़ा बहुत गंदा है, इसीलिए आपको जो है कैमरे में प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं आ रहा है, पर हाँ इसका सेंसेशन जो है वो भी काफी अच्छा है, क्वालिटी काफी अच्छा देखने को मिलेगा हमें। नीचे बात करें यहाँ पे आपको जो है 2 USB का पॉइंट, 1 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 6 स्पीकर गियरबॉक्स,
और जो टाटा का स्पेशलिटी है ड्राइव मोड, वो भी हमें देखने को मिलेगा। तीन ड्राइव मोड है, सिटी, इको और स्पोर्ट मोड। साथ में बात करें, दो कप होल्डर आप और आपके को पैसेंजर के लिए, और पीछे का एक बॉटल होल्डर जो पीछे बैठेंगे उनके लिए हैंड ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ तो ग्लव बॉक्स भी काफी बड़ा साइज का है, लाइट भी है उसमें, और कूलिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए 3XO का X5 में आपको जो है ऑटोक्रोमेटिक मिरर नहीं आता, टाटा में जो है क्रिएटिव प्लस विद सनरूफ में आपको ये मिल जाएगा। और सनरूफ में बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल पैनल सनरूफ आ रहा है, भाई उसमें भी सिंगल पैनल ही आ रहा है, कोई ज्यादा बड़ा चीज अंतर नहीं है। लाइट का बात करें तो यहाँ पे हर एक लाइट आपको LED आने वाला है, उसमें आपको हैलोजन बेस आने वाला है। और अभी आपको जो है स्टीयरिंग का कंट्रोल भी दिखा दे, ठीक है। यहाँ जो स्टीयरिंग कंट्रोल है इसमें आपको जो है टिल्ट हो सकता है, पर टेलीस्कोपिक नहीं हो पाएगा, ये चीज उसमें भी नहीं होता, तो उसमें भी कोई भी अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें हो रहा है उसमें नहीं होगा। तो गाइस इंटीरियर में जितना खूबसूरत सब तो मैंने बता दिया आपको, अब कुछ चीज रह नहीं गया सिवाय इंजन और प्राइस के बारे में एक बार और बात करना है। अब देखिए इसके इंजन के लिए बात करें तो यहाँ पे आपको एक 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड नहीं टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जिससे करीब 120 पीएस का पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क आने वाला है। 6 स्पीड का गियरबॉक्स इसमें दिया गया है। और मैं इसका डायरेक्ट कंपटीशन का बात करूं, मतलब महिंद्रा 3XO, तो 3XO में जो है आपको इससे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। वो 130 पावर प्रोड्यूस करता है, पर उसका टॉर्क जो है वो ज्यादा है। अब ज्यादा टॉर्क में मजा तो आपको आएगा, पर जब आप पेट्रोल पंप को बार बार जाना पड़ेगा तब मजा शायद थोड़ा सा किरकिरा हो सकता है उसमें, पर इसमें वो झमेला नहीं है क्योंकि इसका टॉर्क थोड़ा सा कम है। सिटी टाइप हाईवे टाइप में काफी है, 170 न्यूटन मीटर टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। हम लोग फिगर पे जाते हैं पर चलाने पे आपको पता चलेगा काफी ज्यादा है, और माइलेज भी आपको काफी अच्छा मिलने वाला है नेक्सॉन में कंपेरिजन करें तो 3XO का। तो प्राइस को लेकर जैसे मैंने बताया था सिर्फ 50,000 का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में, तो मेरे हिसाब से 50,000 जो है इसमें मटेरियल भी है 50,000 का। ऐसा नहीं कि 50,000 अब से लिया जा रहा है पर उसमें मटेरियल उतना नहीं दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गाड़ी में भी आपको 6 एयरबैग आने वाला है। और कंक्लूजन पे मैं एक चीज कहूंगा, देखिए मैं सीधा सीधा नहीं कहूंगा आपको इस वीडियो में कि आप ये गाड़ी लीजिए या फिर वो गाड़ी लीजिए। अगर आप जो है नेक्सॉन लेने का सोच रहे हो, मैं एक बार कहूंगा नेक्सॉन लेने से पहले आप 3XO घूम के आओ। अगर आप 3XO लेने का सोच रहे हो तो मैं कहूंगा आपको जरूर एक बार नेक्सॉन चल के आओ, क्योंकि नेक्सॉन का प्राइस जो है गिर गया है, 1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत लोगों को नहीं पता 1 लाख का डिस्काउंट आ रहा है, तो इसीलिए जो है वीडियो मैंने बनाया कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ जाए और आप समझ जाओ कि भाई इसमें और उसमें कितना अंतर है, सिर्फ 50,000 का, और उसका वैल्यू भी आपको मिल रहा है। तो मेरे लिए ये 50,000 के दे के भी इसका वैल्यू काफी ज्यादा सही है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपके साथ एक और नया वीडियो में। तब तक अगर गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट जरूर लगाए, बाइक चला रहे तो हेलमेट जरूर पहनिए। मिलते हैं आपके साथ एक और नया वीडियो में, तब तक सेफ रहिए। थैंक यू।